हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हमारे पीआरएम डीडीसी सब्जेक्ट से, यानी कि प्लास्टिक रबर मोल्ड डाई डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाई मोल्डिंग, यानी कि जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे कौन सी मोल्डिंग से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ज़्यादातर आर्टिकल्स जो भी हमारे हैं, जैसे बकेट है, मग्स है, प्लेट्स हैं, तो इस तरह के जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो सभी हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन टू इज करेक्ट। ठीक है, ग्रीन सैंड, सेल और ड्राई सैंड का इसमें कोई रोल नहीं है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाई इंजेक्शन मोल्डिंग। सेकेंड है, प्लास्टिक ट्यूब्स एंड पाइप्स आर जनरली मेड बाई। तो प्लास्टिक ट्यूब्स एंड पाइप्स जो हैं, वो हमें मालूम है कि ट्यूब्स और या पाइप्स हैं वो सारे हमारे किस्से होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस हैं और एक्सट्रूजन से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाए जाते हैं जिसमें डाई यूज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है इसमें, इंजेक्शन प्रोसेस, दैट इज रॉन्ग। ट्रांसफर प्रोसेस, दैट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज एक्सट्रूजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन, यानी प्लास्टिक ट्यूब्स एंड पाइप्स आर जनरली मेड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टू प्लेट मोल्ड डे लाइट इज अवेलेबल। डे लाइट हमारी क्या होती है, मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। मोल्ड के दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों हाफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, डे लाइट। डे लाइट हमारी कितनी होती है, एक मिनिमम डे लाइट और सेकंड होती है मैक्सिमम डे लाइट। ठीक है, तो टू प्लेट मोल्ड में डेलाइट हमारी कितनी हो गई, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि टू, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेलाइट इन थ्री प्लेट मोल्ड इज। तो थ्री प्लेट मोल्ड में डेलाइट हमारी कितनी होती हैं, थ्री प्लेट में डेलाइट हमारी दो से तीन हो सकती हैं। दो डेलाइट भी हमारी थ्री प्लेट मोल्ड में होती हैं और तीन डेलाइट भी हमारी क्या है, थ्री प्लेट मोल्ड में होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है वन, दैट इज रॉन्ग। सेकंड दिया है फाइव, फाइव डेलाइट्स नहीं होती हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है थ्री, तो ये क्या हमारा सही आंसर है। तो द नंबर ऑफ डेलाइट इन अ थ्री प्लेट मोल्ड इज थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड बुश इज जनरली पोजिशन इन द हाफ ऑफ मोल्ड, यानी कि जो गाइड बुश हैं वो हमारे जनरली कौन से हाफ में पोजिशन होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। तो गाइड बुश हमेशा हमारे कहाँ होते हैं, फिक्स्ड हाफ में। ठीक है, और जो गाइड पिलर होता है, गाइड पिलर इज पोजिशन इन द मूवेबल हाफ। ठीक है, तो गाइड बुश इज जनरली पोजिशन इन फिक्स्ड हाफ ऑफ द मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटिंग द मोल्ड इज टू प्रोवाइडेड इन एरिया विल कंसंट्रेट, यानी कि जो मोल्ड में वेंटिंग एरिया होता है वो किसके लिए फॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली गैस, दैट इज करेक्ट, ओनली एयर, एयर के लिए भी होता है, गैस के लिए भी होता है। थर्ड ऑप्शन इज गैस एंड एयर बोथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर, गैस एंड एयर बोथ। यानी वेंटिंग द मोल्ड इज टू प्रोवाइडेड इन एरिया विल कंसंट्रेट गैस एंड एयर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फ्लैश थिकनेस ऑन द मोल्डिंग शुड बी इन बिटवीन,
यानी कि जो फ्लैशेज हमारे फॉर्म होते हैं नॉर्मली उनकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 to 50 माइक्रोन्स, सेकंड ऑप्शन है 20 to 80 माइक्रोन्स। तो ये क्या हमारा सही आंसर है, जो नॉर्मल फ्लैश की थिकनेस होती है मोल्डिंग में वो हमारी 20 to 80 माइक्रोन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट्स एंड प्लंजर आर मेड, ट्रांसफर मोल्डिंग में जो ट्रांसफर पॉट और जो हमारा प्लंजर होता है उसकी शेप कैसी हो सकती है, स्क्वायर, ये सही आंसर है, स्क्वायर हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है राउंड, राउंड भी हो सकती है। थर्ड है रेक्टेंगुलर, ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पॉट्स एंड प्लंजर आर मेड स्क्वायर राउंड एंड रेक्टेंगुलर शेप, यानी कि पॉट्स और प्लंजर की जो शेप है वो हमारी स्क्वायर राउंड रेक्टेंगुलर सभी हो सकती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरेंस बिटवीन प्लंजर एंड कैविटी वेल इन लैंडेड प्लंजर मोल्ड इज अराउंड, यानी कि लैंडेड प्लंजर मोल्ड में प्लंजर और कैविटी के बीच क्लियरेंस कितना होता है। तो लैंडेड प्लंजर मोल्ड में प्लंजर और कैविटी के बीच में क्लियरेंस जो है वो हमारा 0.002 mm से 0.005 mm के बीच होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 0.02 mm से 0.05 mm, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, 0.002 mm से 0.005 mm, तो ये क्या हमारा सही आंसर है, और ये क्या हो जाएंगे नीचे वाले गलत आंसर, यानी क्लियरेंस बिटवीन प्लंजर एंड कैविटी वेल इन लैंडेड प्लंजर मोल्ड इज अराउंड 0.002 mm टू 0.005 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्डिंग प्रेशर फॉर कंप्रेशन मोल्डिंग इज इन रेंज ऑफ, यानी कि कंप्रेशन मोल्डिंग के लिए मोल्डिंग प्रेशर हमारा किस रेंज में होता है। तो मोल्डिंग कंप्रेशन मोल्डिंग में मोल्डिंग प्रेशर हमारा क्या होता है, हाई, जो कि होता है 2000 psi से 10,000 psi, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया, पहला 500 to 1000 psi, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड है लोअर देन 500 psi, रॉन्ग। 2000 to 10,000 psi, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो मोल्डिंग प्रेशर फॉर कंप्रेशन मोल्डिंग इज इन रेंज ऑफ 2000 to 10,000 psi, दैट इज करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे PRMDDC पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।